हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस। ये है शाम का समय, तो हम सब खाना वाना खा के, तो मैं मतलब तबीयत ठीक नहीं थी मेरी आज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये है हमारा मॉर्निंग का टाइम। मैं रात को बस उतना ही वीडियो बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और घर पे कमरे में भी सब बैठे हुए थे मेरे रूम में, तो इसलिए अब मैं प्रियांशी का कर रही हूँ नाश्ता तैयार। तो आज उसकी फरमाइश है फ्राइड जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं सर, फ्रेंच फ्राइज की फरमाइश थी प्रियांशी की, तो मैंने उसके लिए वही पैक किया आज, क्योंकि गाइस ये ना बच्चा खुश होकर जो चीज़ खा लेता है ना फिर उसे वही देनी चाहिए, तो मैंने उसका लंच पैक कर दिया है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे उसके जाने के बाद। सो गाइज, आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो मैं बना रही थी प्रियांशी का लंच, तो अभी मैं इनको बना के फिर मैं उसको तैयार व्यार करके फिर मिलती हूँ नहा धो के। सो गाइज, मुझे जल्दी में, मैंने मुँह हाथ ही धो लिया था बस, और मैंने चुन्नी उतार के काम करती थी, पापा जी अंदर सो रहे होते उस टाइम, तो मैं बस बना रही थी फ्रेंच फ्राइज। तो बन चुके थे मेरे फ्रेंच फ्राइज और हम मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइज, प्रियांशी चली गई थी, तो अब मैं मतलब आटा वगैरह गूंद दिया था, दाल बना ली थी मैंने, मसूर की दाल बनाई थी। सो गाइज, आज दाल पता कैसी हो गई, और नई दाल थी, मैंने मतलब कुकर में सीटी भी नहीं आई थी, बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आई थी सीटी की, और मैंने गैस बंद कर दी थी और मैंने उसकी गैस भी नहीं निकाली, और वो दाल इतनी बेकार दाल बनी, घुटी घुटी सी हो गई वो, इतनी बेकार। आज के बाद अगर मैं मेरे को मतलब वो मिल गया कि अगर अब मैं बनाऊँगी तो उसको क्या बोलते हैं, दाल को मैं खुली ही बनाया करूँगी, क्योंकि दाल से मतलब चलो बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। तो मैं बना रही थी रोटी। हाय गाइस, ये देखो मैं प्रियांशी को लेने आई थी, तो आज यूं ही बाल बांध के आ गई, क्योंकि आज ना मेरा मन तो नहीं कर रहा कुछ मतलब तैयार व्यार होने का, क्योंकि बुआ बन नहीं, खुशी बहुत ज्यादा हो रही है मुझे, तो नेचुरली ग्लो आ रहा है। प्रियांशी भी बहुत खुश है। प्रियांशी कैसा लग रहा है आपको, आपका बाबू है? बस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको, तो सही से बताओगा इसको? इसकी मामी के बाबू आया है, तो इसका बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अब रक्षाबंधन पे ये राखी बांधेगी उसे, तो थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे प्यारा सा भतीजा दिया, के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी आवाज नहीं आ पाएगी, तो मैं थोड़ी आगे बात करती हूँ आपसे। वेलकम बैक माई चैनल। तो गाइस, आज मैंने सारा काम कर चुकी हूँ अपना, और परी जी रो रही है, इसकी बॉल क्योंकि अंदर चली गई है। परी जी, आपकी बॉल अंदर चली गई है, गाइस को हाय करो, पहले बॉल बता दो, गाइस को बता दो, बॉल वहाँ चली गई, कहाँ चली गई बॉल? गाइस ये बता रही है कि इसकी बॉल पलंग के नीचे चली गई, तो मैं इसकी बॉल निकाल देती हूँ पहले। ये देखो निकल गई इसकी बॉल, इसके लिए मुझे दूसरी बॉल लानी पड़ेगी। सो हैप्पी, इतनी हैप्पी हो, हाय कर दो गाइस को इसी बात में। हाँ, तो गाइस मेरा सारा काम निमट चुका था, मैंने सुबह ही मॉर्निंग में कर लेती हूँ मैं, प्रियांशी को भेज के सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन, और अदरवाइज मैंने आज वो भी करा है, क्या बोलते हैं, फ्रिज भी साफ किया है, हाथ धो लिए और पहनने हैं। गाइस मैं दो बार नहाती हूँ, एक बार प्रियांशी के साथ, एक बार परिधि के साथ। सो अभी मैंने मतलब नहाते वक्त जूड़ा बनाया था, तो मैंने वही जूड़ा बना रखा अपना,
मैंने अभी इसको खोला भी नहीं, गाइस थोड़ा सा तबीयत ठीक सी नहीं थी ना, तो मेरे इस वजह से काम की ब्लॉग नहीं बना पाई मैं, थोड़ा बहुत बना पा रही हूँ वो आपको दिखा दिया मैंने, रोटी वगैरह बनाने का जब बनाया था मैंने। बस प्लीज़ मेरी वीडियो को, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। सॉरी, देखो देखो कितनी गंदी बच्ची है, गंदे बच्चे गाइस देख रहे हैं आपको, देख लो शेम शेम कर देंगे आपकी, गंदे बच्चे हो ना, गंदे बच्चे हो आप, बोलो हाँ अजी अजी, गंदे हो आप, चीची क्यों आप। सो गाइस मैं अभी आप थोड़ी देर में बात करती हूँ क्योंकि अभी मेरा फोन आ रहा है। हेलो गाइस, सो गाइस आज मैं आ गई हूँ प्रियांशी को लेने जा रही हूँ। गाइस कल है राखी, तो मैंने अभी तक मतलब राखी के लिए कोई तैयारी नहीं करी क्योंकि मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब, तो बस अब मैं निकल चुकी हूँ। तो मुझे सूट के साथ की अपनी चूड़ी वगैरह लानी है क्योंकि मुझे घर जाना है, तो उसके साथ की मम्मा ने मुझे जो सूट दिया था उसके साथ की चूड़ी वगैरह लाऊंगी मैं, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अब देखती हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोगों को तो मैंने बताया था, तो सॉरी। तो आज मैंने पहना है ये सूट, गाइस मैं सही से नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, आप लोग सही से देख लो, ये भी मेरी दीदी ने दिया था मुझे, तो मैंने एक पोनीटेल करी है, बाल पीछे हो रहे हैं मेरे आप देख सकते हैं, तो मैंने रीड लगा ली ताकि आप लोगों से मेरी बात सही क्लियर टाइप में हो जाए। तो देखते हैं पास ही में कहीं अगर चूड़ी बूड़ी मिलती है तो ले लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही जाना पड़ेगा फिर, ले लेंगे प्रियांशी को। वही राखी आ रही है बट इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप चिलचिलाती हुई, यानी ये गर्मी क्या करके मानेगी। तो मिलते हैं आपको प्रियांशी के साथ, आपके लिए अपना ध्यान रखें, बाय।